कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि सामान हमने ला के रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, बट वो अंदर चला गया और उसके बाद जब हमें ज़रूरत हुई तो हमने दूसरा सामान खरीद लिया और पुराना वाला पड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था और आज फाइनली जाके मुझे टाइम मिला है। तो आज हम अपनी पेंट्री सेट करेंगे और इसे हम सेट करेंगे सिंपल एंड ईजी 3 स्टेप्स में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद फाइनली मुझे दिन मिला है कि मैं अपनी पैंट्री सेट कर पाऊँ। पैंट्री यानी कि जहाँ पे भी हम अपना किचन का स्टोरेज, जैसे कि जो सामान हमें एक्स्ट्रा चाहिए रहता है हमेशा, वो स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत दिनों से ये मेरे दिमाग में था, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, ये मेरी फ़िलहाल अरेंजमेंट है मेरी पैंट्री का, क्या हाल है। सारा चीज़ ऐसे बस भरा हुआ है और कुछ भी करना होता है तो ढूंढना पड़ता है, कुछ भी निकालना होता है। तो जो आज हम स्टेप्स फॉलो करेंगे उनमें सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे कि सबसे पहले सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे हम। दूसरे स्टेप में हम सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। और उसके बाद तीसरी स्टेप में हम लोग सारी चीज़ों को लोड करेंगे विद अ प्रॉपर लिस्ट जो ऑलवेज मेंटेन रहेगी। जैसे कि जो भी सामान हमें चाहिए रहता है या जो भी सामान फ़िलहाल है पैंट्री के अंदर, उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसे हम यहीं अंदर पर चिपकाएंगे मैग्नेट के साथ में। और उसके बाद उसे अपडेट करते रहेंगे, जब भी उसमें सामान की एंट्री होगी या जब भी सामान निकलेगा तो इन्वेंट्री की तरह, जस्ट लाइक एन इन्वेंट्री जैसे शॉप्स में होता है, और वैसे ही हम करेंगे। तो इस तरीके से हमें हमेशा पता रहेगा कि हमारा कितना सामान, कितना स्टॉक है, क्या ख़त्म हो रहा है, क्या नहीं है, क्या चीज़ एक्सपायर हो रही है। आप उसमें एक चीज़ और ऐड भी कर सकते हो कि एक्सपायरी डेट वगैरह, जो फ़िलहाल मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं मेनटेन रखती हूँ हमेशा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ सबसे पहले अपने पैंट्री में से निकाल लिया है, अनलोड कर लिया है। ये थैला मुझे मिला था इंस्टाग्राम की तरफ से, जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है, कहीं जाने के लिए यूज भी नहीं होता है, बट बहुत ही क्यूट है। साथ ही मुझे ये कॉफ़ी टम्बलर भी मिला था, वैक्यूम है, ये वैक्यूम टम्बलर है, बहुत ही क्यूट। हाँ, तो अभी ये पूरा खाली हो गया है, ओके। और ये उतर के यहाँ पे फैल गया है पूरा, ओके। तो बस अभी मुझे इसको ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि बहुत सारा सामान अभी रीस्टॉक करना है, तो सारे सामान को बस मैं अरेंज कर लूँगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और सारा ही चटपट मैं इसमें डाल लेती हूँ। कंटेनर, सारे मसाले इसमें, नमक, सादा नमक, अशोक मसाला, ये जो जगह ले रही है गर्म मसाला इसको हटाऊंगी मैं, और सूप्स, सूप्स जो है लिस्ट बनाऊंगी सारी चीज़ों की। तो ये सबसे पहले मैंने लिख लिया है रिन सोप। काउंटिंग जो लिखूंगी वो मैं पेंसिल से लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 पे है रिन सोप, विम सोप, ओके, ठीक है। और ये हम अपडेट करते जाएंगे, फिलहाल हम चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं। मांचाओ सोप, चाओ सो, इसको मैं अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं लिस्ट बना रही हूँ, देखना है बाद में क्या करते हैं। इसके समझ में आया कि
इसमें नहीं आएंगे सारे, तो बिस्किट्स मैं यहाँ पर रखूँगी बाद में। और ये चटपटे नहीं बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर मैं चीज़ों को सॉर्ट करने के साथ साथ उनकी एक लिस्ट भी बनाती जा रही हूँ। सॉर्ट करने के साथ लिस्ट बनाने से क्या होता है कि आपको सही काउंटिंग पता रहती है। तो ये मेरी लिस्ट बन चुकी है और मेरा सामान भी सॉर्ट आउट हो गया है, और अब बस मुझे अपनी पैंट्री में सामान अरेंज करना है, थोड़ा सा क्लीन करके। फिलहाल सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं और बाकी जो भी इसमें से निकला है वो या तो फेंकने का है या फिर किसी और जगह का है। ये हो गया है और बस मैं ये अपना लिस्ट अपडेट कर दूँ। कहाँ है मेरे लिए, ये मेरी लिस्ट है और ये जा रही है, ये मैग्नेट है, इसको मैं बता दूँगी। यहाँ पे पेंसिल और पेन तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई मेरी लिस्ट और ये हो गई मेरी पैंट्री अरेंज। हाँ, तो आधे घंटे की मेहनत के बाद मेरी पैंट्री प्रॉपरली अरेंज हो गई है और मैं दिखाऊँ आपको। ये रही मेरी लिस्ट जो है मैग्नेट से लगी हुई है, आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हो। और इसको जब भी मैं इसमें से सामान निकालूंगी अपडेट करूंगी तो मेरे पास ये इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी। और ये हो गई है मेरे हिसाब से मेरी पैंट्री अरेंज, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अरेंजिंग पे मुझे अपने घर में चीज़ें अरेंज करना, रीअरेंज करना, ये सब बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।